गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फोर्थ की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम सभी ने इस पोएट्री इससे संबंधित एक पोइट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था और समझ लिया था। आई होप कि वो पोइट्री आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आपने उसे एक बार और पढ़ा होगा, क्योंकि वह पोइट्री फूलों के बारे में थी और फूल सभी को पसंद होते हैं, सभी को सुहाने लगते हैं। अब उससे संबंधित हम आगे के पार्ट को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को पढ़ना। चिल्ड्रंस, बच्चों, You might have seen various type of flowers around you. आपने आपके आसपास कई सारे फ्लावर्स फूल देखे होंगे, कई सारे फूल आपने आपके आसपास कई तरह के अलग अलग तरह के फूल आपने देखे होंगे, कहीं बगीचे में, कहीं आपके घर में ही, कहीं आपके आसपास, कहीं पड़ोस में, या फिर कहीं आपकी क्यारियों में, ऐसे कई सारे फूल, अलग अलग तरह के फूल आपने देखे होंगे। We all like flowers. हम सब फूलों को पसंद करते हैं। फूल किसको पसंद नहीं होते? फूल सभी को पसंद होते हैं, सभी फूल को पसंद करते हैं। How colorful? कितने कलरफुल होते हैं ना वो फूल। Fragrant and attractive they are. कितने सुंदर दिखते हैं वो और कितने अट्रैक्टिव होते हैं, सुहावने दिखते हैं, सभी को मन मोहने वाले लगते हैं और वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले लगते हैं। दे गिव ए ग्रेट लुक टू अवर गार्डन्स, वह हमारे गार्डन्स को बहुत ही सुंदर बना देते हैं, सुंदर सा लुक देते हैं, सुंदर बना देते हैं, जिससे वह सभी को पसंद आ सके और सभी उसे देख वहाँ पर घूमते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। ओके, तो दे गिव ए ग्रेट लुक टू अवर गार्डन और पार्क्स और हाउस और वट एवर दे ग्रो, और किन किन चीज़ों को सुंदर बना देते हैं वो, गार्डन्स को सुंदर बना देते हैं, पार्क्स जहाँ हम घूमने जाते हैं उसको सुंदर बना देते हैं, हाउस को भी कितना अट्रैक्टिव बना देते हैं, और जहाँ भी वो उगते हैं वो जगह कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, ये सभी तो आप लोग जानते ही हैं। फूल फ्लावर्स जो होते हैं वो सुंदरता, किसी भी जगह की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ओके, और उनकी खुशबू सुगंध सभी को आकर्षित करती है। अब नेक्स्ट है, फ्लावर्स आर ऑर्नामेंट ऑफ नेचर इजंट इट, फूल प्रकृति के आभूषण है कि नहीं? बिल्कुल है, आभूषण करता होता है जिसे पहनने से हम सुंदर व खूबसूरत दिखते हैं। जैसे आपने गहने तो देखे ही होंगे, कोई भी महिला पुरुष कोई भी महिला अगर गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरीके से प्रकृति में फूल होने से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो प्रकृति के आभूषण क्या है, उनके गहने क्या है, ये फूल उनके गहने हैं। फूल, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, बाग बगीचे, ये उसके गहने हैं प्रकृति के। ओके, दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, ये हमारी दुनिया को, पूरी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, सुंदर बना देते हैं। You will study in higher class that is beautiful part of a plant is essential for completing its life cycle. आप अपनी बड़ी क्लासों में इस ब्यूटीफुल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये जो फूलों वाले पार्ट है उसके ब्यूटीफुल पार्ट को आप आगे वाले बड़ी बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे, ये जो फूल होते हैं वो प्लांट के कैसे सबसे महत्वपूर्ण व खूबसूरत भाग होते हैं। ओके, लाइफ साइकिल के उनकी। इट इज रियलाइज्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, ये न्यू प्लांट्स को पैदा करने में, न्यू प्लांट्स को उगाने में भी सहायक होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं।
लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट फ्लावर्स, चलो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फूलों के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फूलों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फूल हम देखते हैं या पढ़ते हैं। एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। यू विल स्टडी इन हर क्लास दैट दिस ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इज ए न्यू प्लांट ऑफ ए न्यू प्लांट। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट फ्लावर्स, अब हम कुछ महत्वपूर्ण फूलों के बारे में जानते हैं। द रोज, गुलाब के बारे में। एक गुलाब, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स। गुलाब एक सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है। गुलाब ने आप सबने देखा ही है कितना खूबसूरत और प्यारा लगता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम पिंक, वह पिंक हो सकते हैं, रेड, वाइट, वह लाल व सफेद भी हो सकते हैं, होते हैं। इट मे बी ए ऑरेंज, और वह ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं। येलो और लेमन कलर्स, और ये पीले व लेमन नींबू कलर के भी हो सकते हैं। ओके, तो रोज के कितने सारे कलर हो गए, कौन कौन से कलर होते हैं। पिंक तो आप सब जानते ही हैं, रेड, वाइट, ऑरेंज, येलो और मैरून कलर। ओके, तो इतने सारे कलर वो हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते लाइन। लाइक अदर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, दूसरे फूलों की तरह रोज इज आल्सो विजिटेड बाय वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट लाइक बम्बलबी, बी, हनी बी, मॉथ, बटरफ्लाई, वर्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे फूलों की तरह जैसे कि कुछ इंसेक्ट गुलाब के भी पास होते हैं, बहुत सारे तरह के गुलाब को भी अट्रैक्ट करते हैं। गुलाब पर भी कई सारे जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बी, हनी बी, मॉथ, बटरफ्लाई, वैस्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे इंसेक्ट वहाँ होते हैं। देस विजिटर्स कलेक्ट पोलन और शीप निक्रेट। यह उन फूलों से अपने खाने के सामान व कई सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। ओके, तो आज हमने रोज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम नेक्स्ट और भी चीज़ें कहीं पढ़ेंगे। ये नीचे एक बार इन फ़ोटोज़ देख लिए, इंसेक्ट के फ़ोटो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और नीचे दो क्वेश्चन थिंग्स और राइट ये भी देख लीजिए आप। कैन यू नेम ए फ्यू फ्लावर्स विच आर इटन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, क्या आप कुछ फूलों के नाम लिख सकते हैं जिन्हें आप वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। देखें यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। हैव यू सीन ए प्लांट दैट डस नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, क्या आपने ऐसे कोई प्लांट देखा है जिसमें कोई फूल नहीं होते हैं। तो वो लिखिए आप, जो फूल नहीं बनाते हैं उन फ्लावर्स के नाम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।